नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं लीबिया के बारे में। लीबिया एक नदन अफ्रीकन कंट्री है जहां पे प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होने वाले थे पहली बार 2011 के बाद। देखिए, जैसे ही लीबिया का नाम आता है तो हमारे न्यूरॉन्स कहां पे शूट करते हैं, लीबिया के साथ हम लोग नाम जोड़ते हैं गद्दाफी का। आपको याद होगा 2011 में अरब स्प्रिंग आया था, लीबिया में मुअम्मर गद्दाफी को डिपोज किया गया था। उसके बाद लीबिया में एक सिविल वॉर छिड़ा था, सिविल वॉर हाल ही में एंड हुआ है। वहाँ पे इलेक्शन शेड्यूल थे दिसंबर 24, 2021 को पहली बार, राइट। लेकिन दोज इलेक्शंस हैव आल्सो बीन पोस्टपोन्ड। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि इलेक्शंस पोस्टपोन्ड क्यों हुए थे। ऑल दो यहाँ पे इस न्यूज़ में देख सकते हो फ्रॉम यूनाइटेड नेशंस, न्यू डेट एक्सपेक्टेड विद इन 30 डेज, लेकिन रिसेंटली ये पता चला है कि इलेक्टोरल कमीशन जो है लीबिया की, उन्होंने डेट बताया है दिसंबर 24, 2022 एज द पॉसिबल प्रेसिडेंशियल इलेक्शन डेट। अगेन ये डेट भी बदल सकती है क्योंकि वहाँ पे सिचुएशन काफ़ी टेंस है, सिक्योरिटी फियर से वहाँ पे। इन सारी चीज़ों को जानेंगे इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर। टू नो ऑल दोज थिंग्स स्टे विथ मी ऑन स्टडी आईक्यू। मैं हूँ आपका दोस्त राहुल सागर, पर आप मुझे इस आईडी पे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज की, फिर स्टेट पीएससी और एनी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम, डू विजिट studiiq.com या फिर आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, जहाँ पे आपको सारी जानकारी मिलेगी अबाउट द कोर्सेज, अबाउट द फीस, अबाउट द फीचर्स, ऑल द थिंग्स। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि लीबिया की पहली प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस वर शेड्यूल्ड टू टेक प्लेस ऑन दिसंबर 24, 2021, ये अभी पोस्टपोन हो चुकी है। इलेक्टोरल कमीशन ने नई डेट बताई है एक महीने बाद, जनवरी 24, 2022। ऑल दो ये भी टेंटेटिव डेट है। इलेक्टोरल कमीशन ने डिस्कशन की विद पार्लियामेंट, पार्लियामेंट ने बताया कि अभी फिलहाल इलेक्शन कंडक्ट करना इट्स इम्पॉसिबल। पार्लियामेंट्री कमिटी हैड टोल्ड दैट इट वुड बी इम्पॉसिबल टू कंडक्ट इलेक्शंस। ये क्यों हुआ? क्योंकि इन द रन अप टू द पोल्स, क्योंकि नवंबर से ही नॉमिनेशन शुरू हो चुके थे, नॉमिनेशन की प्रक्रिया खत्म हो गई, उसके बाद बहुत से लोगों को डिस्क्वालीफाई किया गया, उसके ऊपर काफ़ी डिस्प्यूट्स हुए, एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट्स के ऊपर डिस्प्यूट हुए, एक अटैक भी हुआ था एक कोर्ट के ऊपर, बहुत सारे इलेक्शन कार्ड्स जो इलेक्शन आई डीज होते हैं उसको भी चुराए गए। तो सिक्योरिटी फियर्स के बीच इस चीज़ को पोस्टपोन किया गया। तो चलिए हम लोग समझते हैं एग्जैक्टली क्या हुआ। लेकिन उससे पहले ये लीबिया आता कहाँ पे? लीबिया इज इन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, दिस अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। यहाँ पे आपको नॉर्थ सेंट्रल रीजन में लीबिया मिलेगा, स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड रीजन है ये। क्यों? क्योंकि देखिए लीबिया का नेबर कौन है? इजिप्ट। इजिप्ट का दबदबा चलता है इन द मिडल ईस्ट, और ये मिडल ईस्टर्न रीजन काफ़ी वोलाटाइल रीजन है, राइट। और हम लोग ये भी बात कर सकते हैं कि लीबिया से बहुत सारे रेफ्यूजीज बाई वाटर थ्रू द मेडिटेरेनियन सी दे हैव ऑलरेडी रीच्ड यूरोप, सो एक रेफ्यूजी क्राइसिस भी आ चुका है फ्रॉम लीबिया। तो इसीलिए काफ़ी ज़रूरी कंट्री है। अब एग्जैक्टली हुआ क्या इस लीबिया में? चलिए एक दशक पहले की बात करते हैं। 2011 में एक अपराइजिंग आया था, नॉट जस्ट इन लीबिया बट इन द वेस्ट एशियन रीजन, इन द नदर्न अफ्रीकन रीजन। ट्यूनिशिया में डेमोक्रेसी आ गई थी, आपको पता है ट्यूनिशिया इज ऑल्सो द नेबर टुवर्ड्स द वेस्टर्न साइड ऑफ लीबिया। लीबिया में भी अपराइजिंग आया जहाँ पे मुअम्मर गद्दाफी वॉज डिपोस्ड। मुअम्मर गद्दाफी यहाँ पे अथॉरिटेरियन रूलर थे, कई सालों से यहाँ पे रूल कर रहे थे, उन्हें डिपोज कर दिया गया। इसके बाद एक पॉलिटिकल वैक्यूम या फिर पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी ज़रूर आ गई लीबिया में। 2014 में लीबिया में सिविल वॉर छिड़ गया। इस सिविल वॉर में बहुत सारी पार्टीज इन्वॉल्व थी, क्योंकि अगर पावर वैक्यूम हुआ है तो सभी लोग पावर कैप्चर करना चाहते हैं। बहुत सारे ट्राइब्स थे, बहुत सारे फैक्शंस थे, कुछ मिलिशियाज है जिन्होंने ईस्टर्न साइड पे कंट्रोल किया हुआ है, कुछ मिलिशियाज है जिन्होंने वेस्टर्न साइड पे कंट्रोल किया हुआ है। अगर आप लीबिया को देखोगे लीबिया के मैप में, देर आर ईस्टर्न फैक्शंस एंड देर आर वेस्टर्न फैक्शंस। तो ये सिविल वॉर चला 2014 से 2020 तक, लेकिन 2020 में एक डेवलपमेंट हुई। 2020 रीसेंट टाइम्स में, अक्टूबर 2020 में एक सीज फायर अग्रीमेंट ज़रूर साइन किया गया। यूनाइटेड नेशंस यहाँ पे इन्वॉल्व हो गया, बहुत सारे फैक्शंस को उन्होंने एक टेबल पे लाया, चर्चा की, और उसके बाद इवेंचुअली एक सीज फायर अग्रीमेंट साइन हुआ। एक 5+5 जॉइंट मिलिट्री कमीशन थी जिन्होंने एक परमानेंट सीज फायर अग्रीमेंट साइन किया अक्टूबर 2020 में, और उसके बाद एक यूनिटी गवर्नमेंट भी सेटअप हुई इन मार्च 2021। एक यूनिटी गवर्नमेंट हुई जहां पे ईस्टर्न साइड के फैक्शंस भी थे, वेस्टर्न साइड के फैक्शंस भी है। एक पार्लियामेंट सेटअप की गई, लोगों को सेलेक्ट किया गया, देर इज़ अ स्पीकर नाउ, देर इज़ अ इंटरिम प्राइम मिनिस्टर नाउ, ये सारी सेटअप्स वहां पे आई जिन्होंने फाइनली डिसाइड किया कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होंगे दिसंबर 24, 2021। लेकिन अभी ये भी पोस्टपोन हो चुका है। तो अगर हम लोग सिचुएशन देखेंगे लीबिया में है क्या, सिविल वॉर छिड़ा, सिविल वॉर में बहुत सारी पार्टीज इन्वॉल्व है। देखिए एक तरफ है आपको एलएनए मिलेगा, ये जो रीजन है दिस इज लीबियन नेशनल आर्मी बैक्ट, यहाँ पे लीडर है खलीफा हफ्तार। तो खलीफा हफ्तार की जो
लोग हैं खलीफा हफ्तार के, जो पावर है दैट इज टूवर्ड्स द ईस्टर्न साइड, तो ईस्टर्न फैक्शन यहाँ पे दूसरे सारे ट्राइब्समैन भी हैं, और इस रीजन में आपको ऑयल गैस पाइपलाइंस ऑयल फील्ड्स ही बहुत ज़्यादा मिलती है। और दूसरी तरफ टूवर्ड्स द वेस्टर्न साइड देर इज अनदर फैक्शन, और एंड दिस फैक्शन इज यूनाइटेड नेशंस बैक्ड गवर्नमेंट, इसको बहुत सारी वेस्टर्न गवर्नमेंट्स भी सपोर्ट करती हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे छोटे छोटे फैक्शन है, जो बहुत सारे छोटे छोटे पावर सेंटर्स है, ट्राइब्समैन हैं, इंडिपेंडेंट लीडर्स हैं, वो लोग भी कंट्रोल करते हैं, लेकिन दे आर लॉयर और दे प्लेज एलिजियंस टू वन और दी अदर सेटअप, राइट। तो एक तरफ LNA है, एक तरफ GNA है, तो दोनों तरफ से कंटिन्यूस टसल चलती रहती है। अब इन सब चीज़ों के बीच इलेक्शन जो डब थे, इलेक्शन अभी पोस्टपोन हो चुके हैं, और अगर आप सेंटर्स देखोगे, एक तरफ है सेंटर तोब्रुक सेंटर, दूसरी तरफ है त्रिपोली सेंटर, राइट। अब इलेक्शंस पोस्टपोन क्यों हुए, क्या हुआ यहाँ पे, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई। लीबिया की जो पुरानी इंस्टीट्यूशंस है, जो मेजर फैक्शंस हैं, जो पोटेंशियल कैंडिडेट्स है, उन्होंने अग्री नहीं किया कि इलेक्शंस का शेड्यूल क्या होगा, क्या होगी पावर्स प्रेसिडेंट की, क्या होंगी पावर्स पार्लियामेंट की, इसके ऊपर अभी फाइनलाइजेशन नहीं हुई है। इन सभी चीज़ों से पहले ही इलेक्शन डिक्लेयर कर दिए गए, क्यों, क्योंकि पार्लियामेंट के जो स्पीकर है एगुला साले, वो खुद भी एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है, उन्होंने लॉ इशू कर दिया कि सबसे पहले प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होंगे, उसके बाद पार्लियामेंट्री इलेक्शंस होंगे। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होंगे December 24, 2021 को, पहला रन ऑफ चलेगा, दो राउंड चलेंगे, फर्स्ट राउंड जैसे वोटिंग सिस्टम होती है, फर्स्ट राउंड में फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस, एंड देन देयर प्रेसिडेंट वुड बी सेलेक्टेड, राइट। कुछ इसी तरह का सिस्टम डेवलप किया गया, December 24 डेट बताई गई। अब देखिए, पहले प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होगा, उसके बाद में पार्लियामेंट्री इलेक्शन होगा, कुछ इस तरह की सेटअप की गई। इसका मतलब ये है कि जो भी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीतेगा, इट इज़ लाइक अ विनर टेक्स ऑल, कि अगर प्रेसिडेंट बन गया तो समझ लीजिए कि वो फैक्शन पार्लियामेंट्री इलेक्शन भी जीत जाएगा, कुछ इस तरह की मैं कहूँगा इन प्रिंसिपल सेटअप जरूर आई। दूसरे जो पॉलिटिकल फैक्शन है, उन्होंने क्रिटिसाइज किया एगुला साले को कि उन्होंने जो पॉलिटिकल प्रोसेस अभी बनाया है ये फॉर द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, फॉर द पार्लियामेंट्री इलेक्शन, ये प्रॉपर पार्लियामेंट्री प्रोसेस से नहीं किया, ये भी एलिगेशन लगी। अब एक तो यहीं पर एग्रीमेंट नहीं है, इसके बाद एक और बड़ी प्रॉब्लम आई प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का रनअप तो शुरू हुआ, जो कैंपेनिंग है वो भी चल रही है, इन सब के बीच नॉमिनेशन के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा विवाद हुआ। यहाँ पे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए टोटली 98 कैंडिडेट्स ने अपनी हैट रिंग में थ्रो कर दी, यानी कि दे हैव रजिस्टर्ड फॉर द प्रेसिडेंशियल रेस। इसमें दो महिलाएं भी इन्वॉल्व है, लेकिन कुछ बहुत ही दिग्गज नेम है, कुछ इनफेमस नेम्स है यहाँ पे। जैसे वन ऑफ द नॉमिनीज इज सैफ अल इस्लाम गद्दाफी, मुअम्मर गद्दाफी के बेटे, इसके अलावा आरिफ अल नायब, इसके अलावा जनरल खलीफा हफ्तार भी यहाँ पे, एगुला साले जो स्पीकर है पार्लियामेंट के, और भी दूसरे मेंबर्स है हु हैव थ्रोन देयर हैट इन द रिंग, अलग अलग फैक्शन से, कुछ इंडिपेंडेंट मेंबर्स है, कुछ ट्राइब के हेड्स है, जिन्होंने सभी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में अपनी नॉमिनेशन डाली। 98 लोगों का नॉमिनेशन यहाँ पे पहुंचा, और उस 98 में से 73 लोगों को प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बताया गया बाई द इलेक्शन कमीशन और द इलेक्टोरल कमीशन ऑफ लीबिया। अब इन 25 कैंडिडेट्स में कुछ नाम भी थे, जैसे कि देखिए सैफ अल इस्लाम गद्दाफी, इनको नॉमिनेशन से रिजेक्ट कर दिया गया, क्योंकि इनको 2015 में ऑलरेडी एक त्रिपोली बेस्ड कोर्ट ने कॉन्विक्ट किया था, तो ही बिकेम डिस्क्वालिफाइड टू कंटेस्ट द इलेक्शन। इसके अलावा नौरी अबू समैन को भी डिस्क्वालीफाई किया, बशीर साले बशीर को डिस्क्वालीफाई किया गया, इवेंचुअली खलीफा हफ्तार को भी डिस्क्वालीफाई किया गया ओवर द वॉर क्राइम्स। अब डिस्क्वालीफाई होने के बाद तो लड़ाई तो होनी है, कंटिन्यूसली लड़ाइयाँ चल रही है, मिलिशियस वॉर चल रही है, कोर्ट में केसेस चल रहे हैं। जैसे कि फॉर इंस्टेंस गद्दाफी को जब डिस्क्वालीफाई किया गया, ही फाइल्ड एन अपील इन द कोर्ट। अब उस कोर्ट के ऑर्डर के बाद वापस बाय December 6 ये सभी लोग लिस्ट में आ चुके हैं, तो इसके ऊपर भी विवाद चल रहा है। इसके अलावा यहाँ पे जो भी फोर्सेस है, जो भी मलेशिया से एक दूसरे के कैंडिडेट्स को कंटिन्यूसली बैक करते हैं, और इस चीज़ के चलते भी काफ़ी लड़ाइयाँ चल रही है और इंटिमिडेशन चल रही है, वोटर इंटिमिडेशन, वोटर फ्रॉड के भी कुछ डर हो सकते हैं अगर इसी स्थिति में इलेक्शन को कंडक्ट किया गया। मैं आपको उदाहरण समझाता हूँ, क्योंकि पिछले महीने कुछ फाइटर्स आए, जैसे कि मैंने आपको बताया मुअम्मर गद्दाफी के जो बेटे हैं इस्लाम गद्दाफी को, उन्हें डिस्क्वालीफाई किया गया, उन्होंने अपील की कोर्ट में अगेंस्ट द डिस्क्वालिफिकेशन। अब उस कोर्ट की प्रोसीडिंग को रोकने के लिए दूसरे फैक्शन के फाइटर पहुंचे उस कोर्ट में और प्रोसीडिंग रोकने की कोशिश की। इसके अलावा उन्होंने इलेक्शन ऑफिस को भी रेड किया, बहुत सारे इलेक्शन आईडी कार्ड्स को भी चुराया। तो इन सब चीज़ों के चलते पार्लियामेंट्री कमेटी ने कहा कि अभी इलेक्शंस कंडक्ट करना इम्पॉसिबल है, सो विल डिफर इट बाय 1 month, January 24 की डेट दी गई है। और अगर एक डिस्प्यूटेड रिजल्ट आया तो
पीस प्रोसेस ही अनरैवल हो जाएगा। आपने अफगानिस्तान का इलेक्शन फॉलो किया ही होगा, अफगानिस्तान में भी कुछ इसी तरफ हुआ था। एक तरफ थे अशरफ घानी, एक तरफ थे अब्दुल्ला, जब इलेक्शन के रिजल्ट आए तो उसके बाद इलेक्शन के रिजल्ट नहीं माने गए, देन इवेंचुअली एक यूनिटी गवर्नमेंट बनी, जिसकी वजह से भी मैं कहूँगा थोड़ा सा पॉलिटिकल टर्मोइल ज़रूर हुआ अफगानिस्तान। लीबिया में ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट इट इज़ गोइंग टू हैपन एट हायर डिग्री, इज़न्ट इट। अब इसी के चलते क्या हुआ है, लीबिया के इलेक्टोरल कमीशन ने कहा है जनवरी 24, 2021 तक प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हैव बीन डिलेड। ऑल्दो डेट आ चुकी है, लेकिन जो पार्लियामेंट है वहाँ पे वो ऑलरेडी नेगोशिएट करना चाहती है एक लॉन्गर डिले, क्योंकि जिस तरह की सिचुएशन है, जिस तरह की पॉलिटिकल नेगोशिएशन चल रही है, प्रेसिडेंट की पावर के ऊपर कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग नहीं है, यूनानिमिटी नहीं है, कंसेंसस नहीं है, पार्लियामेंट्री पावर्स के ऊपर कंसेंसस नहीं है, इलेक्टोरल प्रोसेस के ऊपर कंसेंसस नहीं है, नॉमिनेशन प्रक्रिया के ऊपर भी कंसेंसस नहीं है, तो इन सब के चलते कहीं ना कहीं फिर से सिक्योरिटी फियर्स ज़रूर उठ सकते हैं। तो अगर एक छोटी सी डिले, एक महीने की डिले, 30 डे की डिले, कैन इट रिजॉल्व द प्रॉब्लम्स, ये एक सवाल ज़रूर उठता है। तो पॉसिबली लीबिया में हम लोग थोड़ा और दिन देख सकते हैं, ऑल्दो अभी फिलहाल जनवरी 24, 2022 इज़ द डेट, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये भी आगे एक्सटेंड हो सकती है, क्योंकि पार्लियामेंट यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रही है और प्रोबेबली द डेट माइट मूव अहेड। और अगर डेट आगे जाएगी तो जो इंटरिम गवर्नमेंट है, इंटरिम प्राइम मिनिस्टर है, इंटरिम स्पीकर है, इनका टेन्योर भी आगे बढ़ेगा, तो इसके ऊपर भी नेगोशिएशंस होनी होगी आगे चल के। सो व्हाट वी माइट एक्सपेक्ट, व्हाट नेक्स्ट इन लीबिया, दैट देर वुड बी अ डिले इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन फर्दर, इसके ऊपर हमारी कंटिन्यूस नजर रहेगी। अगर कोई डेवलपमेंट आएगी तो हम जल्द से जल्द बात करेंगे ऑन स्टडी आईक्यू। दैट इज इट राइट नाउ फ्रॉम माई साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।